पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपना तुरुप का इक्का चल दिया है। लंबे इंतजार के बाद राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा गांधी सक्रिय राजनीति में उतरने जा रही हैं और कांग्रेस ने उन्हें महासचिव बनाने का ऐलान किया है। उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। प्रियंका गांधी फरवरी के पहले सप्ताह से अपना कार्यभार ग्रहण करेंगी। प्रियंका गांधी को कांग्रेस में संगठन महासचिव की जिम्मेदारी दिए जाने के बाद कांग्रेसी नेताओं में खुशी की लहर है। कांग्रेसी नेताओं ने जहां पार्टी के इस फैसले का स्वागत किया है, वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रियंका के महासचिव बनने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रियंका गांधी को महासचिव बनाए जाने पर बधाई दी है। लंबे अरसे से पिछले 15-20 साल से प्रियंका जी कब पॉलिटिक्स में आएगी, ये मीडिया में भी, आम लोगों के अंदर भी और कार्यकर्ताओं में चर्चा होती रही। आखिर में माननीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने उनकी घोषणा भी कर दी, अपॉइंटमेंट भी कर दी। मैं समझता हूँ कि उनके आने से और कांग्रेस को बल मिलेगा और राहुल गांधी जी की जो सोच है, जो संदेश है, जो एजेंडा है देश के लिए और मोदी जी के कुशासन का अंत करने का, फासिस्ट ताकतों को घर भेजने का, उसे बल मिलेगा।